हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। और आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 16 में प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लास्टिड क्या कहाँ पे पाए जाएंगे? फाउंड इन प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड्स। प्लांट के सेल में और यूग्लिनॉइड के सेल में प्रेजेंट होंगे। लार्ज होंगे, प्लास्टिड्स का साइज बड़ा होगा और इसलिए माइक्रोस्कोप से इजिली हम लोग देख सकते हैं प्लास्टिड को। पिगमेंट बियर करता है, पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। उसी पिगमेंट के आधार पे प्लास्टिड्स को तीन पार्ट में बांटा गया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट कैरोटीन, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट कंसिस्ट करता है। गिव पार्ट्स ऑफ प्लांट येलो ग्रीन एंड रेड कलर। क्लोरोप्लास्ट प्लांट के पार्ट को येल्लो ग्रीन और रेड कलर प्रोवाइड करता है। मेजोरिटी ग्रीन फाउंड इन मेजोफिल सेल ऑफ लीव। क्लोरोप्लास्ट में मेजोरिटी मतलब अधिकतर क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होंगे और कहाँ पे पाए जाएंगे? सेल के लीव्स के मेजोफिल सेल में पाए जाएंगे। इसका शेप कैसा होगा? लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्क्वाइड और इवन रिबन लाइक शेप होगा। इसका शेप कैसा होगा? लेंस शेप्ड हो सकता है, ओवल हो सकता है, स्फेरिकल, डिस्क्वाइड और इवन रिबन लाइक हो सकता है। वेरिएबल लेंथ वेरिएबल होगा, 5 to 10 माइक्रोमीटर, 5 to 10 माइक्रोमीटर और विथ भी वेरिएबल होगा, 2.2 to 4 माइक्रोमीटर। क्लोरोप्लास्ट का नंबर जो सेल में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट उसका नंबर ही वेरिएबल होता है। कितना प्रेजेंट हो सकता है? नंबर वेरी करेगा। क्लाइमोडायनेमिक्स में एक क्लोरोप्लास्ट पर सेल प्रेजेंट होगा यही की। और यहाँ पे सेल के मेजोफिल लीफ के मेजोफिल सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल प्रेजेंट होंगे। लाइक माइट्रोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट, माइट्रोकॉन्ड्रिया की तरह ही क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन लेस, क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होगा। स्पेस लिमिटेड इनर मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट का स्पेस लिमिटेड होगा। स्ट्रोमा का इनर मेम्ब्रेन क्या कंसिस्ट करेगा? ए फ्लैटेड मेम्ब्रेनस सैक्स थैलाकॉइड प्रेजेंट इन इट। एक फ्लैटेड मेम्ब्रेनस सैक्स थैलाकॉइड पर कंसिस्ट करेगा क्लोरोप्लास्ट। थैलाकॉइड कैसा है, कैसे अरेंज होगा? अरेंज लाइक पिल्स ऑफ क्वाइंस कॉल्ड ग्रेना। एक क्वाइंस के पिलर के तरह अरेंज्ड होगा, जिसे क्या कहेंगे? ग्रेना। और क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होंगे थैलाकॉइड में। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स, कलरलेस प्लास्टिड्स को ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे। इसका ल्यूकोप्लास्ट का शेप और साइज वेरी करेगा। और स्टोर्ड इसका फंक्शन क्या होगा ल्यूकोप्लास्ट का? कि न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करेगा। और उन्हीं स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट को तीन टाइप्स में बांटा गया है, अमाइलोप्लास्ट, येलोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या सीक्रेट करेगा? स्टोर कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च स्टोर करेगा। तो इसका एग्जांपल हो गया पोटैटो। येलोप्लास्ट ऑयल और फैट्स को स्टोर करेगा। और एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करेगा। स्ट्रोमा लेमली क्या है? ए फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कनेक्टिंग थैलाकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना। एक फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स है स्ट्रोमा लेमली, जो डिफरेंट ग्रेना के थैलाकॉइड को कनेक्ट करता है। मेम्ब्रेनस थैलाकॉइड्स एक स्पेस से इनक्लोज्ड होगा, जिसे क्या कहेंगे? ल्यूमेन। मेम्ब्रेनस थैलाकॉइड्स इनक्लोजेज द स्कोप स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा एक एंजाइम सीक्रेट करेगा, कंटेन करेगा, जो रिक्वायर्ड होंगे किसके लिए? रिक्वायर्ड होंगे
कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होंगे। कंटेन डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम। स्ट्रोमा लैमेली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और राइबोसोम कंटेन करते हैं। राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज स्मॉलर, क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम 70 से स्मॉलर होंगे। किससे? साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से स्मॉलर होंगे। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम यूकेरियोटिक होगा और एटीएस होगा। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम लोगों ने प्लास्टिड्स को पढ़ा और हमारे आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग राइबोसोम को पढ़ेंगे। तो हमारे आगे आने वाले वीडियोज को देखने के लिए एनसीईआरटी जोन से जुड़े रहें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आगे आने वाले हर वीडियोज आपको सही समय पर मिल सके। और प्लीज इसे अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।